तो प्यार साथियों सभी सक्षम साथियों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। तो प्यार साथियों भत्ता मानदेय जारी किया गया है, किस जिले का जारी किया गया है स्टूडियो आपको मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है ताकि जितने भी हरियाणा के बेरोजगार सक्षम हुए साथियों उनको भत्ते के मानदेय के बारे में उनको जानकारी मिल सके। तो प्यार साथियों चलते हैं वीडियो पर 14 मार्च 2023 की अपडेट के साथ। तो प्यारे साथियों 14 मार्च 2023 की आज की तारीख में यह मैसेज आया था, ये नू जिले का प्लस टू और ग्रेजुएशन वालों का एक महीने का भत्ता उनके बैंक खाते में जो डाल देगा। प्यारे साथियों आप देख सकते हैं नू रोजगार कार्यालय के जितने शख्स में साथी हैं प्लस टू वाले को 900 रुपये जो अलाउंस मिलता है 14 मार्च 2023 को उनके बैंक खाते में जो डाल देगा। प्यारे साथियों ठीक दोस्तों, तो जितने शख्स में साथी हैं नू रोजगार कार्यालय के प्लस टू वाले और ग्रेजुएशन वाले एक एक महीने का भत्ता इनके बैंक खाते में जो डाल दिया गया है प्यारे साथियों आज की तारीख में। जी हाँ, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया भत्ते का तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करवानी है, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है आपके बैंक खाते में है जो आया है नहीं। प्यारे साथियों ठीक दोस्तों, तो नू रोजगार कार्यालय का प्लस टू और ग्रेजुएशन वालों का एक एक महीने का भत्ता है उनके बैंक खाते में डाल दिया गया है 14 मार्च 2023 को। प्यारे साथियों ठीक दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जिले पर। इसके बाद जो प्यारे साथियों सोनीपत जिले का ग्रेजुएशन वालों का एक महीने का भत्ता और एक महीने का मानदेय उनके बैंक खाते में जो डाल दिया गया प्यारे साथियों 13 मार्च 2023 को 6:16 पर पीएम पर प्यारे साथियों ये मैसेज आया था, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 6,000 रुपये जो मानदेय दिया जाता है सक्षम युवाओं को 13 मार्च 2023 को उनके बैंक खाते में जो डाल दिया गया प्यारे साथियों सोनीपत जिले में गोहाणा रोजगार कार्यालय के जितने सक्षम युवा साथी है प्यारे साथियों ठीक दोस्तों, तो ग्रेजुएशन वालों का है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया भत्ते का मानदेय का तो आपने अपनी बैंक पासबुक जरूर चेक करानी है प्यारे साथियों, तभी पता चलेगा आपका जो भत्ता है मानदेय आपके बैंक खाते में आया नहीं प्यारे साथियों ठीक दोस्तों। सोनीपत जिले में गोहाणा रोजगार कार्यालय के ग्रेजुएशन वाले जितने भी शख्स में साथी है एक महीने का भत्ता और एक महीने का मानदेय उनके बैंक खाते में जो डाल दिया गया 13 मार्च 2023 को प्यारे साथियों ठीक दोस्तों। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, बाकी अदर जिले का जो भत्ता मानदेय जारी किया जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम जरूर बताऊंगा प्यारे साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।